मैं आपसे कहूंगा कि विदेशों के जो वामपंथी है ना, वो भारतीय वामपंथियों से फिर भी ज्यादा ईमानदार है, पर भारत के जो वामपंथी हैं वो तो सबसे बड़े दोगले, झूठे, फरेबी और मक्कार, और साथ ही साथ अति भ्रष्ट उन्हें कह सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है रोहित छेत्री। रोहित ने एक बार मेरे से कहा कि यार, मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ और लोगों को जिनको प्रॉब्लम्स होती है वो हमें कॉल करते हैं और हम उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान करते हैं। कितना अच्छा होता कि काश अगर हम मुख्यमंत्री ऑफिस में डायरेक्टली कॉल करते और हमारी बात सुनी जाती और हमारी समस्या का तत्काल समाधान होता। अब ऐसी ही बात को चरितार्थ कर दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने, क्योंकि इस बार योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट 2.0 है, दोबारा मुख्यमंत्री बनकर आए हैं और नए कीर्तिमान अब योगी आदित्यनाथ जी गवर्नेंस के, यानी कि गुड गवर्नेंस के कीर्तिमान अब योगी आदित्यनाथ जी खड़े करेंगे। अब लोकतंत्र में जनता ही असली बादशाह है, इस बात को सच कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। अभी मामला क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं कि मुख्यमंत्री कार्यालय में एक महिला का डायरेक्ट कॉल आ गया। महिला ने फोन पे कहा कि हेलो, मैं बुलंदशहर से संगीता सोलंकी बोल रही हूँ, मुख्यमंत्री योगी जी से अनुरोध है कि कृपया मेरी समस्या का समाधान करें, सीएम सर से निवेदन है कि मुझे कार्यभार ग्रहण कराने का कष्ट करें। दरअसल रविवार की सुबह को परेशान हालत में संगीता सोलंकी ने अपनी समस्या के निस्तारण के लिए सीएमओ ऑफिस में कॉल किया और संगीता को समस्या का संज्ञान लेते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल प्रभाव से मेरठ के आला अधिकारियों को शिकायत का निस्तारण करने के निर्देश दिए, जिसके बाद से सोमवार संगीता सोलंकी के लिए बेहद सुनहरी सुबह वाला दिन बन गया। महज एक फोन कॉल से हुई शिकायत का संज्ञान लिया गया और उनकी समस्या का समाधान करते हुए उनको कम समय में कार्यभार ग्रहण कराया गया, यानी कि उनको उनकी नौकरी बहाली कराई गई। संगीता सोलंकी ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित प्रवक्ता पद हिंदी 2021 की लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा उत्तीर्ण करी, जिसमें उनको आयोग द्वारा मेरठ के भागीरथी आर्य कन्या इंटर कॉलेज आवंटित किया गया। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी उनको प्रबंधक द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं कराने दिया जा रहा था। नियुक्ति के लिए उनसे लिपिक व प्रबंधक की ओर से पैसा मांगा जा रहा था। अब आप तो जानते हैं सरकारी कार्यालयों का हालचाल। अब संगीता सोलंकी की समस्या का निस्तारण करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने फायर ब्रांड तरीके से आला अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए तत्काल प्रभाव से संगीता सोलंकी को जॉब ज्वाइन कराने के डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए। विधानसभा में अपनी शपथ से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार महिला मुद्दों पर संवेदनशीलता दिखाई है, जिसका एक नायाब उदाहरण बनी बुलंदशहर की संगीता सोलंकी। संगीता सोलंकी की तरह ही प्रदेश भर की महिलाओं की समस्याओं का निदान भी उतनी ही तेजी से होगा। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद आयोजित हुई बैठक में भी उन्होंने प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण और उनके कल्याण से जुड़ी तमाम बातों पर जोर दिया है। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसे सुनकर लिब्रांडुओं को बर्नौल लगाने की आवश्यकता पड़ जाएगी और कुछ लोग तो इतनी आग से जल फूकेंगे कि उन्हें अयोध्या जी में जाकर सरयू नदी पर नहाना पड़ेगा। पर सरयू नदी का पानी तो पवित्र है, उससे भी उनकी समस्या निदान नहीं होगा, उनको तो और ज़्यादा बर्निंग होने लग जाएगी। दरअसल कट्टर इस्लामी गिरोह के पत्रकारों में शामिल राणा अय्यूब को विदेश जाने से रोक दिया गया है। उन पर कोविड फंड्स का दुरुपयोग करने का आरोप है। राणा अय्यूब ने मंगलवार को खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, आज मुझे मुंबई में लंदन जाने से रोक दिया गया। जब मैं इंटरनेशनल जर्नलिज्म फेस्टिवल में भारतीय लोकतंत्र और पत्रकारों को डराने धमकाने के विषय पर अपना भाषण देने के लिए लंदन के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ने वाली थी, मैंने इस बारे में कुछ हफ्ते पहले ही सार्वजनिक रूप से कहा था, फिर भी मुझे रोके जाने के बाद ईडी का समन मेरे इनबॉक्स में आ गया। अब राणा अय्यूब ने आगे लिखा कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बारे में कई हफ्तों से ट्वीट किया जा रहा है, फिर भी मुझे ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का समन उस वक्त मेल किया जाता है जब मुझे देश में विदेश जाने से रोक दिया जाता है। आप किससे डरते हैं? अब इस तरीके की बात कहकर राणा अय्यूब लोगों को भड़काना चाहती है और कोविड के दौरान जिस तरीके से उन्होंने फंड्स का दुरुपयोग किया, इस बात से लोगों का मुद्दा जो है वो भटकाना चाहती है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि लोगों की मदद के नाम पर धन की उगाही और उस पैसे की गड़बड़ी करने के मामले में प्रोपेगेंडा पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फरवरी 2022 में बड़ी कार्रवाई करी थी। एजेंसी ने अय्यूब की 1,77,00,000 रुपये की संपत्ति को कुर्क कर लिया था। ईडी ने यह भी कहा कि राणा अय्यूब ने एक साजिश के तहत आम जनता को धोखा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय के आदेश में यह कहा गया था कि राणा अय्यूब के घोटाले की शुरुआत तभी से शुरू हो गई थी जब उन्होंने पैसा इकट्ठा करने के बाद उसे अपने और अपने परिवार के सेविंग्स अकाउंट से निकालना शुरू कर दिया था।
अब ईडी के मुताबिक राणा अयूब के 50 लाख रुपए के फिक्स अमाउंट नेट बैंकिंग से बुक किए गए और एक अलग करंट अकाउंट खोला गया। बाद में उसके बचत बैंक खाते और उसकी बहन और पिता के बैंक खाते से फंड्स को ट्रांसफर किया गया। लेकिन कैटो.org के जरिए जिस उद्देश्य के लिए धन की उगाही करी गई थी उसके लिए उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं, वामपंथी पत्रकार जहां एक तरफ समाजवाद की बात करते हैं, वहीं समाजवाद की आड़ में चुपचाप अपना पैसों का जो खेल है वो चलता रहता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोपोगेंडा पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में 7 सितंबर 2021 को आईपीसी की धारा 403, 406, 418, 420, आईटी अधिनियम की धारा 66 डी और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज करी गई थी। इसमें राणा अयूब पर यह संगीन आरोप लगाया गया है कि उसने चैरिटी के नाम पर गलत तरीके से आम जनता से धन की वसूली करी थी। हिंदू आईटी सेल के विकास सांकृत्याय ने अगस्त 2021 में FIR दर्ज करवाया था। प्राथमिकी में राणा द्वारा चलाए गए 3 अभियानों का जिक्र भी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये जो फर्जी वामपंथी पत्रकार हैं, जो हम देखेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल समर्थक नारे लगाते हैं, तमाम तरीके की बातें करते हैं, एक वामपंथ का एक नैरेटिव खड़ा करते हैं, तमाम देशों से, मिशनरियों से, तमाम इस्लामिक संगठनों से ऐसे लोगों को फंड्स आते हैं। और जब वो फंड्स आते हैं तो ये उन अपने मालिकों के भी सगे नहीं हैं। इन लोगों को जहाँ से फंड्स आते हैं ये उन फंड्स को भी डकार जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीयों के अंदर यह आदत बड़ी ख़राब है। मैं आपसे कहूँगा कि विदेशियों के जो वामपंथी हैं ना, वो भारतीय वामपंथियों से फिर भी ज़्यादा ईमानदार हैं, पर भारत के जो वामपंथी हैं वो तो सबसे बड़े दोगले, झूठे, फरेबी और मक्कार, और साथ ही साथ अति भ्रष्ट उन्हें कह सकते हैं। आप खुलेआम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो तमाम लोग हैं सोनू सूद टाइप्स के, आप समझ रहे हो कि बात करते हैं सोशल जस्टिस की, कि हमें सामाजिक न्याय दिलाना होगा, लोगों को फलाना करना होगा, ढिकाना करना होगा, लहसुन करना होगा, स्क्वाडा करना होगा, लेकिन करते क्या है, सब पैसों का खेल है बाबू भैया, हमने तो पहले ही बताया था आपको। लेकिन होता क्या है कि लोगों को जब तक ये बातें समझ में आती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और तमाम लोग ऐसे लोगों के, ऐसे फर्जी पत्रकारों के प्रोपोगेंडा में फंस जाते हैं और इनके प्रोपोगेंडा के तहत भावुक होकर पैसे दे देते हैं। और जिस तरीके के पत्तलकार इस देश के अंदर हैं वो आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स के अंदर देखा कि किस तरीके से जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचारों का एक दौर चल रहा था, नरसंहार का दौर चल रहा था, तब उस समय भारतीय मीडिया किस तरीके से चुप लगा के बैठा था कि कहीं किसी की नौकरी ना चली जाए, कहीं किसी का मालिक ना नाराज हो जाए। तो ये तो इस देश के हालात हैं साहब। अब ऐसे तमाम मुद्दे होते हैं, कई बार कई मीडिया चैनल्स दिखाते हैं कि देखिए मुस्लिम लोग भी योगी जी का समर्थन कर रहे हैं। आपको भी मालूम होगा कि अभी हाल ही में चुनाव के बाद जब एक आंकड़े सामने आए कि एक मोहल्ला था जहां के लोग कह रहे थे योगी जी हमारे मसीहा हैं, योगी जी हमारे फलाना हैं, ढिकाना हैं, एक मुस्लिम मोहल्ला था। और जब इलेक्शंस के बाद जब वहां से डेटा सामने आया तो वहां से योगी जी को केवल 9 वोट पड़े थे उस मोहल्ले से, उस मुस्लिम मोहल्ले से जहां पे लोग योगी जी को मसीहा बताते थे, यानी मुंह पे कुछ और अंदर कुछ और, अलतकिया इसी को कहते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो और इस देश के अंदर जो वाम पंथ के नाम पर जिस तरीके से जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और जिस तरीके से मोदी और योगी सरकार के जो विकास के कार्य हैं उनके ऊपर पर्दा डालने की जो कोशिशें हो रही हैं, कभी कोविड के दौरान दिखा दिया कि लाशें बह रही हैं, ये हो गया वो हो गया, और फर्जी पिक्चर्स और पुराना कंटेंट ढूंढ ढूंढ के जिस तरीके से मोदी सरकार को बदनाम करने की खुलेआम साजिश इस देश में चल रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं आपको नई बात बता रहा हूँ, पर बात सिर्फ क्या है, बात यह है कि आप लोगों को, दूसरों को भी अवेयर करना है इस बारे में, दूसरों को भी इस विषय में जागरूक करना है। हम लोग सालों से इसी मुहिम में लगे हुए हैं और आज मैं समझता हूँ देश के अंदर एक बड़ा वर्ग है जो आज राष्ट्रवादी सोच, एक राष्ट्रवादी विचारधारा रखता है और हिंदुत्व के पैमानों पर खरा उतरने की कोशिश आज का युवा पहले से ज़्यादा कर रहा है, मैं समझता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आज भारत का युवा है वो जागरूक हो चुका है और बहुत से युवा हैं जिन्हें अभी जागरूक होने की आवश्यकता है। मैं कामना करूँगा कि इस देश के अंदर जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं, इस देश के अंदर सिनेमा का भी बड़ा रोल है इस समाज की दशा दिशा तय करने का, तो विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर्स को सामने आना चाहिए। इस देश के अंदर जिस तरीके से तमाम विषयों पर हिंदुओं की आवाज़ों को दबा दिया गया, और सिर्फ हिंदुओं की ही नहीं, किसी भी समाज के वर्ग की अगर आवाज़ को दबाया गया और उसके तहत यदि कहीं भी ये वामपंथी दोगले पत्रकारों का अगर साजिश है तो उसको बेनकाब कीजिए, सच को सामने लाइए। कमेंट में लिखें जय श्री राम, हर हर महादेव।